के दर्शकों को नमस्कार। ये टमाटर है। अच्छा, ये टमाटर है। ये लाल हो जाता है। लाल हो जाता है तो इससे टमाटर का सूप हो जाता है, टमाटर का सूप बन जाता है, फिर सूप बन जाता है। और क्या बनता है इससे? साइंस हो सकती है। क्या हो सकती है? साइंस, इसके बारे में वो पता लगा सकते हैं इसमें क्या डाल जाता है। क्या पता, कैसे पता लगाएंगे इसको? माइक्रोस्कोप से देख के। और बताओ, और बताने और नहीं, अभी टमाटर के बारे में ही बताओ। अरे छोड़ो यार, पहले टमाटर के बारे में बताओ, और टमाटर से क्या क्या होता है और कैसे उगता है पाइप में ही बताओ। इसको बीज करीब बीज उगा के, अच्छा, जब बीज उगाएंगे तो थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। अच्छा, करीब 3 दिनों तक उसको पानी नहीं डालना है। 3 दिनों तक पानी नहीं डालना है, फिर बाकी सारे दिन रोज पानी डालना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? बीज उसके बाद क्या होगा? बीज में पानी छिड़क देंगे, 3 दिन बाद पानी नहीं डालेंगे, फिर क्या होगा? फिर वो थोड़ा उगेगा, फिर उसमें पानी और छिड़क देंगे। तो ये पाइप में कहाँ से आ जाएगा ये बताओ? पाइप पे भी यही सेम करना है। पाइप में भी यही सेम, कहाँ से, कैसे कैसे बता रहा तो जरा। इसमें इसमें बीज डाल देंगे कि बीज अलग जगह डालेंगे और वहां से निकाल के पौधे लगाएंगे इसमें ना? तो पाइप में क्यों लगाते हैं, गमले में क्यों नहीं लगाते ये बताओ। नहीं, बंद नहीं करूंगा, बताओ। पाइप में क्यों लगाते हैं, गमले में क्यों नहीं लगाते ये बताओ। गमले में ये ज्यादा बड़ा हो जाता है। गमले में बड़ा हो जाता है, और जब ये ज्यादा बड़ा हो जाता है तो टूट भी जाता है। गमले में खराब भी हो जाता है। गमले में नहीं, हाँ, पाइप में भी हो सकता है। पाइप में भी, ठीक है। तो पाइप में क्यों लगाते हैं, गमले में क्यों नहीं लगाते बेटा? गमले में भी लगा सकते हैं, लगाना तो है उधर। गमले में उधर भी लगाया है, लेकिन पाइप में कई लग गए ना, गमले में तो एक ही लगेगा। कम जगह पे ज्यादा पौधे लग सकते हैं। पहले टमाटर के बारे में बताइए आप, कितने टमाटर है, काउंटिंग कीजिए। तो कस के काउंटिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस टमाटर में और बाजार से जो टमाटर खरीद के आते हैं उसमें डिफरेंस क्या है? बाजार के टमाटर गंदे होते हैं और ये ऑर्गेनिक होता है। ये ऑर्गेनिक होता है, तो ऑर्गेनिक अच्छा होता है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि वो छत पे उगता है, छत अच्छी होती है। छत अच्छी होती है, छत पे धूल नहीं होता। छत पे धूल नहीं होता है। और अब गाइस ठंडी आ रही है, आप लोग अपने उलन कपड़े निकाल लें। उलन कपड़े निकाल, ठीक है। तो उलन कपड़े से ऑर्गेनिक सब्जियां अच्छी उगेंगी। और हमको छत पे गाजर भी उगानी चाहिए। तो लेकिन बेटा, मार्केट से जो सब्जी आती है ना उसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, जबकि इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, इसको नेचुरली हम उगाते हैं। लेकिन उनके बीज में भी केमिकल्स रहते हैं। हाँ? नहीं, बस नहीं करूँगा, पहले बताओ, पूरा बताओ, ठीक है। कोई नहीं आया है, पहले ये तो बताओ। तो क्या दोनों में डालते हैं, और ये टमाटर यूज कहाँ कहाँ होता है बेटा? सूप में, और सब्जी में भी पड़ता है। और पकने के बाद? पकने के बाद इसको मस्त खाओ, नमक डाल के स्ट्रांग हो जाओ। तो पाइप में वेज रूफ के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहूंगी कि, तो इधर देख के तो बोलो। कि कभी भी सब्जी बाहर की मत खरीदे, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग पोषण होते हैं। पोषण नहीं होते, केमिकल होते हैं बेटा। उनको पोषण भी बोलते हैं। नहीं, पोषण तो अलग होता है, न्यूट्रिएंट्स, पोषण तो इसमें होते हैं, दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है। ये सूखा पत्ता, टमाटर का सूखा पत्ता। तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तोड़ मरोड़ दो, फिर बोलो। लाइक सब्सक्राइब को तोड़ मरोड़ दो, जैसे को भी मरोड़ दिया। थैंक यू आप सभी मित्रों को, वेज रूफ के दर्शकों को। और पाइप में आप देख सकते हैं कि ये जो टमाटर उगा हुआ है ऑर्गेनिक है, और अपने बच्चों को भी जरूर गार्डनिंग में इन्वॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।